हेलो गाइस, कैसे हो। तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट था इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए कि भाई अभी जो अभी आप लोग न्यूज़ में तो ज़रूर सुना होगा कि अभी अरब कंट्री में इंडियन वर्कर को ज़्यादा ये किया जा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो कम से कम 100 लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि भाई इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाओ और बताओ कि एक्चुअली दुबई में इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा है। तो दोस्तों प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस ये पॉलिटिकल इशू है दोस्तों, मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, बट हमसे कम से कम 25 से 30 हज़ार वर्कर भाई मुझसे जुड़े हुए, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना कर कि यहाँ की जो हकीकत है दोस्तों वही मैं जस्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड दोस्तों वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। बट कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है और भाइयों का कमेंट आ जाता है, तो मजबूरन उस पर मुझे वीडियो बनाना ही पड़ता है। और जो भी सवाल है दोस्तों चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि इसका इफेक्ट यहाँ पर कितना पड़ा अभी और यह पड़ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मालूम है कि जितने भी गल्फ़ कंट्री जैसे ओमान, सऊदी, कतर, बहरेन, जितने भी 6 कंट्री है GCC का, उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्कर काम करते हैं दोस्तों वो नो डाउट दुबई में करते हैं। और मैं दुबई से लाइव आपको यहाँ का बताने वाला हूँ कि यहाँ पे इफ़ेक्ट क्या पड़ा है और क्या यहाँ पे सिस्टम है, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे ज़्यादा आपको मालूम है कि यहाँ पे लगभग 34 लाख भारतीय काम करते हैं, 34 लाख यहाँ पे इंडियन वर्कर काम करते हैं। ये गवर्नमेंट का डाटा है दोस्तों, बट गवर्नमेंट का डाटा एकदम एक्यूरेट नहीं होता, 2-4 लाख आ गई होगा, कम नहीं होगा, मतलब समझो तो 37 से 38 लाख यहाँ पे भारतीय काम करते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि बताओ भाई वहाँ पे इफेक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि आप भी हाहाकार मचा है, हमारा नेशनल मीडिया भी एक से एक इतना सा बात इतना फैला मिला के नेगेटिविटी ज़्यादा फैला रहा है। आप देख रहे होगे रोज़ न्यूज़ पर यही सब चल रहा है, लेकिन इसका असर दोस्तों मैं एकदम सीधा आपको बता रहा हूँ यहाँ जो हो रहा है दोस्तों। और मैं एक वर्कर हूँ तो जी यहाँ पे जो देख रहा हूँ वो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका इफ़ेक्ट है एकदम 0 की बराबर है, नो प्रॉब्लम यहाँ पे, क्योंकि हाँ यहाँ का गवर्नमेंट भी अभी तक ऑफिशियली कुछ ऐसा कड़क अपडेट नहीं दिया है। आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, सऊदी भी बोल चुका है, ओमान बोल चुका है, कतर बोल चुका है, मगर दुबई का गवर्नमेंट डायरेक्ट ऐसा बोला नहीं कि हाँ इसका ये हो रहा है। थोड़ा मन मटाव हो अलग बात है, यहाँ के अरबी लोग सोशल मीडिया पे थोड़ा पोस्ट वगैरह कर रहे हैं वो अलग बात है, बट यहाँ पे इंडियन के साथ कोई पहले जैसा था वैसे अभी चल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है और यहाँ पे जो पहले से सिस्टम है वही चल रहा है दोस्तों। जो कंट्री में यहाँ का ओरिजिनल पॉपुलेशन 15 लाख है दोस्तों, 15 लाख, जबकि यहाँ पे इंडियन 35 से 36 लाख रहते हैं, तो आप समझ सकते हो। लेकिन इंडिया और UAE का प्यार बहुत पहले से है दोस्तों, और एक दूसरे में बहुत बड़ा व्यापार है, जो इंडिया को चाहिए वो UAE में है और जो UAE को चाहिए दुबई को जो चाहिए वो इंडिया में, क्योंकि इंडिया से भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आता है, जैसे खाने का हर सामान लगभग 70% इंडिया प्रोडक्ट यहाँ पे यूज होता है दोस्तों। सिर्फ UAE अपने पास क्या यूज करता है ये दूसरे कंट्री से नहीं लेता है, ज़्यादातर एक है मिल्क, मैंने दूध, अंडा और चिकन। जो लोग दुबई से मेरा वीडियो देख रहे हैं इस बात से जरूर सहमत होंगे कि यहाँ पे अंडा जो बनता है दोस्तों ये UAE अपना खुद बना लेता है, जैसे फुजेरा में होता है, अजमान में होता है, मिल्क भी दूध भी यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा डेयरी फॉर्म है दूसरे कंट्री को ये सप्लाई करता है, और एक चिकन मतलब मुर्गा, ये तीन चीज़ ये अपने पास रखता है। दूसरा आप ये खजूर देख ही रहे हो, जो खजूर फरा हुआ है वो देख ही रहे हो ये खजूर, बाकी और बाकी जो भी है दोस्तों सारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यही कंट्री से आता है, मगर 70% यहाँ पे इंडिया से आता है सामान। तो ये दोनों कंट्री में अभी कोई लोग झोंक नहीं है दोस्तों, और वर्कर पे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई जो बताया है वो रियल जानकारी दे रहा है दोस्तों, और जो भी मेरा दुबई से वीडियो देख रहे हैं वो लोग यस ज़रूर लिख देना भाई, अगर इस बात में सच्चाई है कि यहाँ पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, सब एक दूसरे जैसे पहले काम करते थे अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं, बस नेशनल मीडिया जो इंडिया का मीडिया आप लोगों को मालूम है कि एक बात को बढ़ा चढ़ा के नेगेटिविटी फैलाता है और डराता है ज़्यादा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बात दोस्तों आप लोग बेफिक्र रहो, और कुछ भी अपडेट आएगा आपका भाई यहाँ रियल जानकारी आपको देने का कोशिश करेगा। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट में, जब तक गुड बाय।